के चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, हालांकि कुछ मुस्लिम जो फल वाले हैं और अन्य ठेले वाले हैं उन्होंने अपने नाम लिख भी लिए। देखिए वो तो बेचारे मजबूर हैं, रोज का कमाना और रोज का खाना, गरीब लोग हैं। लेकिन इस तरह से एक मैसेज दिया जा रहा है कि ये हिंदू की दुकान है, ये मुसलमान की दुकान है, आप मुसलमान का बायकॉट करें, हिंदू की दुकान से काम करें। इसी तरह का नाजीज ने जर्मनी में भी करा था। हम हजारों साल से प्यार मोहब्बत से रहते हैं, हिंदू मुसलमान एक दूसरे के यहाँ कारोबार भी करते हैं और एक दूसरे के यहाँ खाते पीते भी हैं। लेकिन ये टर्मिनल सोच आखिर कब तक? अफसोस की बात है कि आज के दौर में भी ऐसा काम हो रहा है कि उसमें नाम लिखवाए जा रहे हैं, और जबकि हिंदुस्तान में बरसों से बहुत से ऐसी हिंदू फर्म्स हैं जो मुस्लिम नामों से काम कर रही हैं अपने कारोबार बढ़ाने के लिए। अल कबीर जो मीट का एक्सपोर्ट करता है, बीफ का भी एक्सपोर्ट करता है, उसके मालिक सतीश और अतुल सबरवाल हैं। अल नूर मुजफ्फरनगर की मीट की एक्सपोर्ट कंपनी, उसके मालिक अजय सूद साहब हैं। और उसी तरह से अरेबियन एक्सपोर्ट के मालिक सुनील कपूर साहब हैं। उसमें बुराई क्या है? अपने कारोबार के लिए कर रहे हैं और भेज रहे हैं बाहर। आप इस तरह से करके दो कम्युनिटीज के अंदर फासले पैदा कर रहे हैं। मेरी डिमांड है प्रशासन से और अपने शासन से कि ऐसे फरमानों को फौरन निरस्त किया जाए जो एक मुजफ्फरनगर के एक पुलिस के अधिकारी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।